उसको पकड़ो। चलो चार मिनट मैम एक बार इधर भी मैम लेफ्ट साइड पे मैम आपके लेफ्ट साइड पे मैम थैंक यू मैम अरे यार आपको ज्यादा वो बाइक बाइक करने वाला आपका कोई है ना माइक उससे भी जाएगा ना कोई इतना हिलाप नहीं देगा माइक किस लिए नहीं ठीक है सही है आप लोगों की बात से सहमत है अब आप देख लीजिए और आज ये माइक बंद करो यार जनता टीवी मेरा बोर्ड पांचवें चरण में है अपना वोट डाल ले जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं तो यही मेरी दरखास्त अपील है और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है सुनने के लिए भी मिल रहा आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं ये देश में जनहित में ठीक नहीं है इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी की देखो ऐसा है अभी तो वोट पड़ रहा है पांचवें चरण का अभी दो चरण और बचे हुए हैं तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है मैम आप इसको कैसे देखती हैं देखो हर पार्टी अपना दावा करती है कोई भी हो चाहे बीजेपी है कांग्रेस है सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और कि लोगों में काफी जोश है और अकेले यूपी में नहीं यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस मायावती जी लगता अच्छा है आपको इस बार बदलाव होगा मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा क्योंकि जो जनता है मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है अच्छा आकाश आनंद को हटाया गया तो बड़ा विपक्ष ने हंगामा किया आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया या आगे के लिए इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती नहीं भाजपा के जो वो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो ऐसा इसके बारे में कौन क्या कह रहा है जी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ।